लुधियाना से लोक इंसाफ पार्टी के एमएलए व प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस की ओर से अपने सहित दो विधायकों व सात काउंसलर की एक महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों को देने का ऐलान किया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए तथा कहा कि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बैंस ने आरोप लगाया कि ना ही लोगों को किस्तें मिली और ना ही दवाइयां तक मुहैया करवाई गई तथा लोग अपने अपने घरों में परेशान रहे। वहीं कुछ संस्थाएं हैं जो उन लोगों की मदद में जुटी हुई हैं और सरकार को भी आगे आना चाहिए था। पंजाब के अंदर हड़ां के नाल बहुत वड्डी पद्धर ते तबाही हुई है एंड सरकार जिहड़ी हड़ां तो पहला बहुत वड्डे वड्डे दावे बहुत वड्डे वड्डे स्टेटमेंट कि हड़ां वास्ते असी बड़ा वड्डा प्रबंध पुख्ता बंदोबस्त किए हैं उन्हां दा चेहरा बेनकाब हो गया। इत्थों तक कि सरकार दे कोले सीमेंट दियां खाली बोरियां दे विच मिट्टी भरी का भी बंदोबस्त नहीं हैगा। पांच जगह दे उत्ते पाड़ पिया दुआबा साइड ते वो पाड़ इस करके पिया क्योंकि सरकार की छत्रछाया दे हेठ वो एम एल ए जिन्हां दे वीडियो तक वायरल हो गए रेत चोरी दियां गल्लां करदियां दे रेत इलीगल तौर पर चोरी होने कारण सैंड इलीगल माइनिंग कारण हड़ आए पांच जगह तो दुआबे दे विच बन टुट गया। अज तक दस दिन तो उत्ते दा समा हो गया। दस दिन तो उत्ते दे समय विच अज तक सरकार कोलों पांच जगह दे उत्ते पाड़ ही नहीं पूरा किया जा सकिया। उत्थे लोग अपनी पद्धर दे बेचारे बोरियां भर के लगे हुए कोई उत्थे सरकारी तौर पर टीम नहीं हैगी कोई बंदोबस्त नहीं किश्तियां लोग 25-25 हज़ार रुपये की किश्ती खरीद रहे हैं। इत्थों सरकार के प्रबंधों का पता लगता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र दे कोले ठूठा फड़ के भीख मंगणदे समान 1000 करोड़ रुपया सानूं दे दिओ असैस करो ये अरबां रुपये का नुकसान होया 1000 करोड़ का नहीं तो 16 लाख करोड़ रुपया कीमत पानी की असी राजस्थान तो लैनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कानूनन तौर पर जी साड़ी बनती पानी की कीमत आ वो याद नहीं आती। सो अज लोक इंसाफ पार्टी ने फैसला लिया कि जी साडा पानी साडा हक मुहिम सी उन्हें थोड़े देर लिए ड्रॉप किया ता जो पंजाब के अंदर असी हड़ पीड़ितों की मदद कल तो असी एक बहुत वड्डा मेडिकल उत्थे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं दवाइया डॉक्टर एम्बूलेंस मोबाइल हॉस्पिटल तो अज लोक इंसाफ पार्टी के दो एम एल ए ते लुधियाणा के कौंसलर अपनी एक एक महीने की जिहड़ी तनखा हैगी है वो खालसा एड नूं देणगे क्योंकि खालसा एड जिहड़ी पूरी दुनिया के अंदर कितें कोई कुदरती आफत क्रोपी आउंदी है तो खालसा एड सब तो पहला बिना कोई भेदभाव किए अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे हर गुरबाणी के महावाक अनुसार पवित्र वाक अनुसार वो तुरदे आ। असी ये शुरुआत की एंड असी सारे जिन्हें दानी सज्जन एन आर आई पंजाबी वीर विदेशों के बैठे उन्होंने भी अपील करते हैं कि हड़ पीड़ितों की दिल खोल के मदद की जा सके। फसलों का मुआवजा सरकारां ने नहीं देना सरकारां ने जिहड़े पशु डंगर हड़ां दे दौरान मर गए उन्हां दा मुआवजा नहीं देना सरकारां ने जिहड़ी खेतां दे विच 3-3, 4-4 फुट गार सिल्ट आ गई उन्हूं साफ करन दा मुआवजा नहीं देना घर डिग गए सरकार ने मुआवजा नहीं देना। दोस्तों ये पंजाबी होण दा एक अपना प्रमाण देईए जिन्हें एन आर आई पंजाबी बैठे मैं उन्हां नूं भी अपील करूँगा कि वध तो वध हड़ पीड़ित पंजाबियों की मदद लई अगे आउण। कोरीडोर जिन्हों लैके बहुत वड्डे वड्डे बयानात बहुत वड्डिया गल्लां कीतियां गईयां सुब्रमणियम स्वामी बीजेपी के लीडर उन्हां दा निजी बयान नहीं उन्हां दे कोलों केंद्र सरकार द्वारा दवाया गया बयान हैगा है जिहड़े शुरू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी शुरू तो जिहड़ी इह गल चाहुंदी सी वी किते इह कोरीडोर कंप्लीट ना हो जाए कोरीडोर चालू ना हो सके। सो ये बीजेपी ते आरएसएस दा जिहड़ा फिरकू चेहरा बेनकाब सुब्रमणियम स्वामी की जिहड़ी स्टेटमेंट आई उहदे तों बेनकाब हो गए। सो तारीख तां मैं पहलां दस के हटिया किश्तियां लोग 25-25 हज़ार रुपये दे मुल खरीदण सीमेंट दियां खाली बोरियां दे विच मिट्टी तक ना भरी गई होवे पांच जगह तो दुआबे दे अंदर सतलुज दे विच पाड़ पिया होवे ते 10 दिन तो वाधा समा हो जाए हजे तक पाड़ पूरिया ना गया होवे ते बिट्टू ते आशू दा मुख्यमंत्री हद दे विच बाटा फड़ के भीख मंगण दे समान मोदी दे कोले गिड़गड़ाउंदा होवे वी सानूं पैसे दे दिओ राहत 1000 करोड़ नहीं एक अरबां खरबां रुपये दा नुकसान होया जिहड़ा सिर्फ 1000 करोड़ रुपया मंगण वास्ते महज 25-25 हज़ार रुपया प्रति किसान वह शर्म होनी चाहिए है। ये किहड़े लोग बयान दे रहे किहड़े सरकार दी प्रशंसा दे विच
ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ MP ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।